वंस टॉपर ऑलवेज टॉपर इन द फील्ड वी हैव अप्लाइड वी हैव वर्कड वी हैव गिवन दैट एग्जाम सीरियसली. सो नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल. आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे. अच्छा हाँ, ये भी कमेंट्स कि होली वाली वीडियो में भी आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम KBS के PRT का रिजल्ट बता दीजिए. मैं होली का वीडियो चेक कर रही थी तो उसमें हैप्पी होली की बजाय KBS PRT सब जगह घूम रहा है कि कितने आपने आंसर की मैच किया, कितने मार्क्स आए आपके. बात ये है कि मैंने KBS PRT अप्लाई ही नहीं किया था. क्यों नहीं किया था? तो क्यों नहीं किया था, इसलिए क्योंकि मेरा एक जगह सिलेक्शन हो रखा है और इतना 1500 ऐसे करके भरना तो TGT का है ही भी था मुझे, और फिर PRT का 1500 उसका 1500 उसका. मेरे दिमाग में यही गुड़ागड़ी चल रहा था और एक जगह हो ही रखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी केस चल रहा है. तो मैंने कहा फिर रहने दो इसको, TGT लेवल का ही अब सब अप्लाई करेंगे. और तो मैंने TGT लेवल का अप्लाई किया था, PRT मैंने अप्लाई नहीं किया था. तो उसके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट कैसे आएंगे? अब बात करते हैं TGT लेवल का. मैंने TGT लेवल का अप्लाई किया था पर मेरी तैयारी थी किसकी? PRT लेवल की. मैंने सारे एग्ज़ाम्स PRT लेवल के दे रखे हैं तो TGT की तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी. बिना तैयारी मैंने जो भी थोड़ा बहुत मुझे वक्त मिला मैंने पढ़ा, और इसी के दौरान मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं. मैं अभी MSc कर रही हूँ, मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है, अब फोर्थ सेमेस्टर चलेगा. तो वो सब भी ऐसे देखना और बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं, तो साथ में ऐसे मैनेज करते करते चलना. और TGT का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी होता है, PRT जैसा नहीं होता कि थोड़ा सा पढ़ लिया. PRT भी लेंदी है पर PRT उससे थोड़ा कम होता है. और TGT में मैंने स्कोर किया है 96, मैंने मैच किया था, 96 मेरे सही हैं और मैं संतुष्ट हूँ उस नंबर से, क्योंकि जो टीचिंग वगैरह है उसमें मेरे मार्क्स अच्छे रहे हैं. बस सब्जेक्ट कंसर्न जो है, और इंग्लिश में मेरे अच्छे नहीं थे, सब्जेक्ट कंसर्न में अच्छे नहीं थे, ऑब्वियसली उसमें अच्छे नहीं होंगे. और वो करंट अफेयर में भी मेरा अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से करंट अफेयर नहीं पढ़ा था. स्टार्ट करना सोचा मैंने, एक आध दो दिन पढ़ा, फिर उसके बाद छूट गया. तो बहुत सारा वही एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहा था. तो TGT का यही मार्क्स रहा है आपके. और आपसे एक बात कहनी थी कि आप कमेंट्स के अंदर जाके कमेंट्स ना किया करिए, उसके नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आते. मतलब अगर मैंने कहीं कमेंट्स किया है और आपने उस मेरे कमेंट के अंदर कमेंट किया है तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास आता है, पर आपने किसी और के कमेंट में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछा है और फिर आप कहें कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती हैं, तो वो मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आता है. आप लोग अपने में बात करते रहिए, मुझे पता ही नहीं चलता है. मुझे वही पता चलता है जहाँ पर मैंने कोई कमेंट किया है और मेरी कमेंट के अंदर कोई कमेंट कर रहा है, या पे या तो फ्रेश कमेंट है, वो भी नए वाले वीडियोस के, पुराने वाले वीडियोस के जो इतने सारे कमेंट्स रहते हैं ना वो मुझे दिखते ही नहीं. मुझे सिर्फ लेटेस्ट 3 कमेंट्स दिखते हैं, उसमें मैं रिप्लाई कर दी तो नेक्स्ट पीछे वाला दिखेगा, और अगर उसके आगे कोई कमेंट आ गया तो वो अब आगे वाला दिखेगा, पीछे वाला कमेंट नहीं दिखता है. तो आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं जाती हूँ जहाँ पे अनरिप्लाइड वाला कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे मैं जाती हूँ और जो अनरिप्लाइड रहते हैं वो कर देती हूँ, लेकिन जो आपने बात की रहती है ना वो मुझे दिखता ही नहीं है. तो फिर कभी कभी पता चलता है, वो पता ऐसे चलता है कि मेरी दीदी आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, तो जो इम्पोर्टेंट उन्हें लगता है कि इस चीज़ का रिप्लाई दिया जाना चाहिए तो वो मुझे बताती हैं कि तुम्हारे इस वीडियो में ये चीज़ पूछी गई है, अगर तुम्हें पता हो तो बता दो. अगर उन्हें पता रहता है तो वो रिप्लाई कर देती है. अगर आपको कहीं से रिप्लाई आ रहा है तो वो मेरी दीदी ही है. और फिर और क्या कहना था, और हाँ ये कहना था कि मुझे किसी की जजमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो आप अगर वीडियो में ये लिख रहे हैं कि आपकी पुरानी वीडियोस में तो आप ऐसे 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 कहती थी कि आप ये आप मतलब हो सकता है कि कुछ लोग का दिमाग ना, कुछ लोग का दिमाग बहुत निगेटिव होता है, वो लोग पॉजिटिव कुछ देख ही नहीं सकते. तो जो निगेटिव लोग होंगे वो लोग आके कमेंट करेंगे कि आप तो बड़ी टॉपर फिर रही थी, कहाँ गया सब, नहीं निकाली TGT वगैरह. तो भाई उसके लिए पढ़ना पड़ता है. Once a topper, always topper in a field we applied, we studied and we have given that exam seriously. तो फिर ये जो सेकेंड वाला था TGT वाली में, उसमें मैंने अप्लाई तो किया था
पर जो सेकंड पोर्शन आता है ना, सेकंड स्टेप वी हैव स्टडीड, वो वाला स्टेप मैंने नहीं कर करा था, नहीं कर पाई थी, तो फिर कहाँ से होना है। और एग्ज़ाम तो मैंने ऐसे ही जाके दे दिया था बस, और क्या कहूँ। वैसे मुझे अब जजमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो भी स्ट्रगल फेज में है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इवन मैं भी, ये स्टोरी मेरे लिए भी बहुत अच्छी है, मैं ये स्टोरी याद करती हूँ। ये मेरी रियल लाइफ का इंसिडेंट है। कक्षा 12 में मेरे 90.6% मार्क्स थे। जब रिजल्ट्स आए तो मतलब सारे लोग ऐसे देखते थे, मैं क्या करूँ यार, कम कर लूँ उसको। तो फिर एक आंटी थी, मतलब मेरी दोस्त की आंटी, उन्होंने मुझसे बात की। बहुत अच्छी हैं वो, बहुत स्वीट हैं। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि बेटा अब आपके जो भी स्कोर आएंगे ना, वो इस बात को, वो उसके अगर नेक्स्ट वाले स्कोर नहीं होंगे, जैसे आपके बीएससी के स्कोर आपके बीएससी के ना हो के आपके ट्वेल्थ वाले स्कोर को जज करेंगे। तो बी केयरफुल, बहुत मेहनत करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने बहुत बहुत मेहनत करी। मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी, मैं इतना पढ़ी कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब हार्ड वर्क वाला टाइम था। मैंने जब कभी वर्क किया है, मैं जब कभी याद करती हूँ कि मैंने कभी पढ़ा है अपनी लिमिट से आगे जाके, वो वही टाइम था। मैंने हिंदी को चेंज किया, लैंग्वेज इंग्लिश कन्वर्ट किया, सब लिखना सीखा, पता नहीं क्या क्या मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी उस साल। और फिर जब रिज़ल्ट आया, तो जो विद्यापीठ के बच्चे होंगे दे कैन रिलेट, 69% इन फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर, और 69% ये बहुत होते हैं। मैं कभी कभी देखती हूँ तो सोचती हूँ ये मेरा ही है। और फर्स्ट ईयर में 69 था, फिर उसके बाद बढ़ता ही गया और थर्ड ईयर तक मेरे 72% हो गए थे पूरा मिला के। वैसे थर्ड ईयर का इंडिविजुअल 75% था, और तीनों साल का मिला के 72% हो गया था। तो मैंने अपने आप को उस एक साल में बहुत प्रूव किया था। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आई, तो फिर मुझे रियलाइज़ होता था कि मेरे टफ सिचुएशन में कोई मतलब कोई दिखता ही नहीं था, तो मैं अपने आप को किसके लिए साबित कर रही हूँ। और जो मेरे घर के लोग हैं वो मुझसे कभी कुछ पूछते ही नहीं थे। मेरे स्कोर आते हैं ना, कोई किसी को कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है, कोई पूछता ही नहीं है। मैं खुद जाके उछड़ उछड़ के बताती हूँ कि देखो इतने आए हैं, अब बताओ तुम लोग क्या कर रही हो। लोग कहते हैं चलो अच्छा नौकरी पा जाना तब बताना, और नौकरी का जब रिजल्ट आया तो आ गया नौकरी, चलो अच्छा लग जाए तब बताना। अब ये बोल रही थी वेरीफिकेशन का, वेरीफिकेशन का तो पैसे कमाओ तब बताना, तब बात करते हैं। मेरे घर पे ऐसे है, मेरे घर पे कोई जज नहीं करता है। आप जब अपने डाउन फेज में आएंगे तब सब सपोर्ट करते आने आते हैं, और जब आप अप फेज में होंगे ना तो आपको कोई पूछने नहीं आने वाला है। मेरे घर का ये सिस्टम है। इवन मैं अपने कन्वोकेशन मोमेंट पे मिस कर रही थी सबको कि कोई तो आ जाते, मुझे अकेलापन जो फील हो रहा है। पर ठीक है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जब डाउन फेज रहता है तो सब संभालने के लिए हाजिर रहते हैं। एक फैमिली में वही चीज़ चाहिए होता है। उस दिन मतलब सेकंड ईयर में मैंने सोच लिया कि ये मतलब किसके लिए किसी को प्रूफ करना यार, नहीं प्रूफ ऑफ नहीं करना है, जो करना है अपने लिए करना है, और जो भी बेस्ट चीज़ है ना मैं अपने लिए करूँगी, और मैं बेस्ट ही करूँगी और बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेस्ट करूँगी। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें पार्टिसिपेट की, इतना कि पूछो मत। मैं हर जगह, हाँ अलका सिंह हर जगह रहती थी, बेस्ट कैडेट, बेस्ट शूटर, NCC, स्काउट एंड SS, एवरीथिंग। और कंप्यूटर के कोर्सेज भी मैं सीखती थी उस शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैं सब करती थी, पढ़ती भी थी, स्कोर भी अच्छे रहते थे, और सब चीज़ करती थी। पढ़ाई में आ गए तो खेल सीखे भाग्य, मैं घर पे ऐसे ही बोलती थी और सब लोग को मनाती थी। मतलब मेरी दीदी नहीं मानी थी NCC के लिए, पर मैंने उनको मनाया कि चलो अच्छा मैं थोड़ा ही उस पर ध्यान दूंगी, इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, तो वो मान गई, चलो अच्छा ठीक है। पर प्रॉमिस ली थी कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दोगी, अच्छे स्कोर रहेंगे। और फिर जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया तो वो फर्स्ट ईयर से अच्छा था, तो एकदम खुश, सब एकदम मस्त। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको लिखना है वैसे लिख सकते हो। मैं उनको एक हार्ट कमेंट करूंगी और एक स्माइली और एक मीठा वाला कुछ मिठाई उठाई कर दूंगी, ताकि इतनी तीखी जुबान नहीं बोलनी चाहिए, थोड़ा तो खुश रहना चाहिए। तो बस बहुत बातें हो गई, मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया था, सोचा था आप लोगों से बातें कर लूँ, और मेरे 1K सब्सक्राइबर भी हो गए तो उसके बारे में मैं बात कर लूँ।
और मैं पहले आप लोग को थैंक यू बोल दूँ कि आप लोग मेरी वीडियो इतना ज़्यादा देखे, इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे, मेरे जल्दी से बन के हो गया, वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर लव, सपोर्ट एंड केयर, फॉर एवरीथिंग। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं मुझे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कहूँ। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरे यूज़फुल लगते हो, तो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर दीजिए मेरी वीडियोस, ताकि मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ जाए और वॉच टाइम बढ़ जाए। और मुझे देख के बहुत खुशी होती है आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। कभी कभी मूड ऑफ रहता है और मैं यूट्यूब खोलती हूँ अपना यूट्यूब स्टूडियो, और जब कमेंट्स देखती हूँ ना, तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है कि मतलब वी आर कनेक्टेड। और क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हो गई। आप लोग को कोई आप काम की बातें कर लेते हैं, आप लोग को कोई काम हो, जैसे कोई भी चीज़ ऐसा ज़रूरत वाला, तो आप कमेंट कर दिया करिए। मैं देखिए, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने यूट्यूब करना है। बस मैं ऐसे रेंडमली, मेरा मन किया और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किस फील्ड में कंटिन्यू करूँ, किस तरीके की वीडियोस बनाऊँ और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे मन में जो भी आता है, जो कमेंट्स करते हैं आप लोग, वो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना देती हूँ। तो आपकी जो भी ज़रूरतें रहा करें, आप कमेंट्स करिएगा, लेट मी नो व्हाट यू वांट, आई विल मेक दैट वीडियो। और मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना मुझे ऐसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने कहा और मैंने किया। मैं जितना कर सकूँगी करूँगी, एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं जो भी अपलोड करूँगी वो बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ होगी। मैं कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करूँगी। अगर गलती से मैं कुछ मिस्टेक कर देती हूँ, तो मैं उस वीडियो में ज़रूर मेंशन कर दूँगी कि दैट इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट करेक्ट। और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा 100% जो करेक्ट कोई भी डेटा हो, मैं वही आपको बताऊँ। और बाकी तो इंसान हूँ, गलती तो थोड़ी बहुत होगी। आप लोग मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। आई विल मेक माई सेल्फ करेक्ट एंड आई विल से सॉरी टू। मुझे सॉरी कहना बुरा नहीं लगता है, जब आप गलत हो, जस्ट से सॉरी और मैटर को रफा दफा करके आगे बढ़ते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब होली के दिन जब बन के देखा ना मैंने, मतलब मेरा दिल एकदम खुश हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि मतलब ये पीआरटी वाला देख के लग रहा था कि अरे यार, मैंने हैप्पी होली लिखा है तो उसमें भी पीआरटी घुसा दी हो सब लोग, और मैंने वन के का डाला है तो उसमें भी पीआरटी, बस करो पीआरटी का भरा ही नहीं है मैंने। और मैं एक दो लोग को तो रिप्लाई कर दी, मैं कितने लोग को मैं बताऊँ और कितनी बार बताऊँ। और हो गया, बहुत बातें हो गई, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जो भी आपको ज़रूरत हो वो ज़रूर बताइएगा, आई विल लव टू हेल्प यू। बाय बाय, हैव अ गुड डे।